हिंदी भाषा हमारे देश की संस्कृति और संस्कार का प्रतिबिंब है। देश में कई लोग ऐसे हैं जिनका हिंदी के प्रति अगध स्नेह पाया जाता है। कुछ हिंदी में कविताएं तो कुछ कहानियां और साहित्य के माध्यम से अपना योगदान दे रहे हैं। हमीरपुर के अजय सोनी का हिंदी लेखन की अद्भुत बनावट से सहज ही लोगों का दिल जीत लेते हैं। सोनी की लिखावट को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये उन्होंने नहीं बल्कि कंप्यूटर से प्रिंट निकाला गया हो। मोतियों से लिखावट की अद्भुत कला के माहिर अजय सोनी हमीरपुर के कई कार्यालयों, व्यापार मंडल और विभिन्न संगठनों के लिए हिंदी लेखन से अपना योगदान दे चुके हैं। कई बार लोग प्रिंटिंग प्रेस में जाने की जगह सोनी से ही पोस्टर बनवाने को तरजीह देते हैं। हमीरपुर शहर के बीचों बीच स्वर्णकार का काम करने वाले अजय सोनी की लिखावट देखकर हर कोई दंग रह जाता है, क्योंकि हो भी क्यों ना, अजय की उंगलियां जब कागज़ पर चलती हैं तो ऐसा लगता है कि मानो कोई मशीन लिख रही हो। सुंदर लिखावट के लिए मशहूर अजय सोनी की लिखावट स्कूल समय से ही सुंदर थी। अजय सोनी ने बताया कि 1992 में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था और बाल स्कूल में अध्यापक स्वर्गीय रतन शान की सानिध्य में उन्होंने लिखावट को अपनाया। उन्होंने बताया कि आजकल मातृभाषा हिंदी लोगों को कम पसंद आ रही है और भाषा इसमें पिछड़ भी रही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए और स्कूलों में भी हिंदी के ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। अजय सोनी का मानना है कि सरकारी कार्यालयों में भी अंग्रेजी की बजाय हिंदी में ज़्यादा काम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिन भर सोने का काम करते हैं और रात के समय एक घंटे तक हिंदी लेखन की प्रैक्टिस करते हैं ताकि लिखावट और सुंदर बन सके। मैं 1992 में स्कूल छोड़ा हुआ है। मेरा हिंदी के प्रति रुझान पहले से था, पर मैं जब श्री रतन शान जी, अब जो स्वर्गवास हो चुके हैं, उनके संपर्क में आया तो मैंने इस हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए सोचने लगा और दिन प्रतिदिन मैं मेहनत करता रहा और उनके पास जाकर भी मैं थोड़ी सी ट्रेनिंग ली और उसके बाद मैं हिंदी के प्रति मेरा रुझान दिन पर दिन बढ़ता गया और अब मैं कुछ भी लिखता हूँ तो मेरी हैंड राइटिंग जो बिल्कुल लिखनी जो है बिल्कुल सुंदर होती है। मैं चाहता हूँ कि आगे से आगे बच्चे भी थोड़ी अपनी इंग्लिश को भुलाकर थोड़ा हिंदी के प्रति उनका रुझान होगा। मैं यही सीख लेना चाहता हूँ कि अगर इंग्लिश में नहीं लिख सकते तो हिंदी के प्रति जो है थोड़ा बैंकों में, डाकखानों में थोड़ा हिंदी के प्रति थोड़ा लिखने को आरंभ किया जाए और इस मातृभाषा को आगे से आगे बढ़ाया जाए। आज की तारीख में मैं जो मैं लिखता हूँ, जो बाज़ार के कई आते हैं मेरे पास कि प्रिंटिंग प्रेस के पास जाना है, तो मुझसे ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं क्योंकि मैं मेरी हैंड राइटिंग जो है, मेरी लिखनी जो है कंप्यूटर की तरह है। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ भी नहीं है, पर मैं आगे से आगे इसको बढ़ा रहा हूँ। लोग आते हैं पर मैं पैसे लेता हूँ, उनके पैसे लेता हूँ, मैं फ्री लिखता हूँ। काफ़ी आते हैं मेरे जो कागज लिखे हुए हैं वो घर घर में लोग ले जाते हैं, जिनको पता है वो आते हैं और ले जाते हैं। मैं कुछ कुछ भी लिख सकता हूँ हिंदी में, इंग्लिश में, पर हिंदी में मेरा रुझान जो है सबसे ज़्यादा है। व्यापार मंडल हमीरपुर के महासचिव अश्विनी जगोता ने कहा कि अजय सोनी की लिखावट मोतियों की तरह है और हर कोई उनकी लिखावट का हमीरपुर में दीवाना है। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल जब भी कोई संदेश लिखवाता है तो सोनी की सेवाएं अवश्य लेता है और प्रिंटिंग प्रेस जाने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती है। उन्होंने कहा कि अजय सोनी अपनी सेवाएं निशुल्क देते हैं। ये जो अजय सोनी जी हैं, इनकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी है कि जैसे लगता है कि मोती परोए हों। तो हम व्यापार मंडल को जब भी कोई पोस्टर बनाना हो या कोई स्लोगन लिखना हो तो हमें ज़रूरत हो तो हमें इन्हीं को कहते हैं, हमें प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं जाना पड़ता है। और ये हमारे भाई ऐसे हैं कि कभी हमसे कोई एक रुपया भी नहीं लिया है और जब भी हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है ये हमेशा तैयार रहते हैं।